अगर आप आईएलएस के कैंडिडेट हो, आईएलएस की प्रेपरेशन कर रहे हो और प्रेपरेशन करने के लिए आपको आईएलएस का मटेरियल चाहिए, अगर आपको ये मटेरियल फ्री में चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे कि पास्ट एग्जाम में जो लिसनिंग आई है, जो रीडिंग आई है, वो आपको फ्री में मिल जाएगी। जो स्पीकिंग के क्यू कार्ड का पीडीएफ है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। राइटिंग के टेम्पलेट, टास्क वन और टास्क टू की बुकैब, ये सभी मटेरियल अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये मटेरियल हमसे फ्री में लेना है या फिर किसी और चैनल से इस मटेरियल को बाय करना है। अगर फ्री में चाहिए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आईएलएस प्लाजा। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहिए, तो आज इसी डाउट का आंसर करने की ट्राई करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिसनिंग और रीडिंग के मॉड्यूल की। लिसनिंग और रीडिंग का जो मॉड्यूल होता है वो सेम होता है, चाहे आप हरियाणा में एग्जाम दो, चाहे आप गुजरात में एग्जाम दो, या फिर आप पंजाब में एग्जाम दो, लिसनिंग और रीडिंग का मॉड्यूल सेम रहने वाला है। राइटिंग की बात करें, टास्क वन और टास्क टू पहले सेम आते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क वन और टास्क टू देखने को मिलते हैं। पंजाब में भी ऐसा हो जाता है कि एक जगह पर टास्क टू और है और दूसरी जगह पर टास्क टू और है। बट बच्चे मोगा बरनाला जैसी सिटीज को राइटिंग के लिए नहीं चुनते, वो चुनते हैं इन सिटीज को स्पीकिंग के मॉड्यूल के कारण। उनका सोचना ये होता है कि स्पीकिंग में मोगा में बरनाला में बैंड स्कोर ज्यादा आता है। वो सोचते हैं कि मोगा और बरनाला में जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनमें से ज्यादा बच्चों का जो लेवल होता है इंग्लिश का वो नॉर्मल होता है। जब एग्जामिनर एक बच्चे को 6 बैंड दे देगा नॉर्मल लेवल के बच्चे को, जिनकी स्पीकिंग जो इंस्टीट्यूट में 5 एंड 5 बैंड की थी, तो जो सेम बच्चा आएगा उसी लेवल का तो एग्जामिनर उसको भी 6 बैंड देगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्पीकिंग का लेवल 5 बैंड वाली स्पीकिंग है तो हो सकता है कई बार आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाए, एग्जामिनर आपको 6 बैंड दे दे, बट हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं हुई तो एग्जामिनर आपको जो आप बैंड डिजर्व करते हैं वही देगा। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको इंस्टीट्यूट में 5.5-6 बैंड आते थे, बट मोगा में बरनाला में उनको 4.5 बैंड ही दिए गए। जो आप वहां पर बोल कर आओगे उसी बेसिस पर आपको बैंड स्कोर मिलना है। ये एक बल्कि रियलिटी नहीं है कि मोगा और बरनाला में हर एक को स्पीकिंग में बैंड स्कोर आते हैं। जो आप बोलोगे उसी का बैंड स्कोर आपको मिलने वाला है। आप पठानकोट से मान लो बिलोंग करते हो और आप एग्जाम देते हो आकर बरनाला में, आप स्पीकिंग का चलो मान लो आपने अच्छी कर दी, बट आपको लिसनिंग रीडिंग राइटिंग के जो एग्जाम होता है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि एक तो आप बहुत दूर से ट्रैवल कर इस सिटी में आए हो और उसके बाद आपने एग्जाम भी देना है, और स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती हो कि इतनी ट्रैवल के बाद आपने वहां पर आकर एग्जाम देना है, आपके मन में एक टेंशन भी होगी। बट अगर आप ऐसे सेंटर को चुनोगे जो आपके होम टाउन के काफी ज्यादा मतलब कि नियर है, नजदीक है, तो आप इजीली अपना जो एग्जाम दे सकोगे लिसनिंग रीडिंग राइटिंग का भी और स्पीकिंग का भी, और स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। बट जब आप पठानकोट से आते हो बरनाला में एग्जाम देने के लिए, मोगा में एग्जाम देने के लिए, आपकी स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस तो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो सेंटर आपके एग्जाम के नजदीक है, जो आपको कंफर्टेबल है, उन सिटीज को ज्यादा चुनो। ऐसा नहीं होता कि आपको मोगा और बरनाला में बैंड स्कोर आ ही जाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो आपको बैंड स्कोर नहीं आने वाले। अगर आप बोलकर आओगे, अच्छा बोलकर आओगे, तो आपको लुधियाना में भी बैंड स्कोर आ जाएंगे, पटियाला में भी आ जाएंगे, खन्ना में भी आ जाएंगे, चाहे कितनी ही बड़ी सिटी क्यों ना हो। जैसा आप बोलकर आओगे आपको वैसा बैंड स्कोर एग्जामिनर देगा। तो ऐसी बातों से दूर रहें। जो आपको इजी लगता है जहां पर पहुंचना वहां पर एग्जाम दें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए। ऐसा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें, हम अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।